हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ स्टफ्ड शिमला मिर्च, आलू से भरी हुई शिमला मिर्च। तो शुरू करते हैं। एक पैन गरम करते हैं और उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल और 1 टीस्पून जीरा, साथ ही साथ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून केन पेपर और 1 टीस्पून सॉल्ट। इसकी क्वांटिटी आप इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसे थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे 3 आलू जो कि मैंने पहले से बॉईल करके छील के रखे हुए हैं। मैश करके इसमें ऐड कर देंगे। 1 हरी मिर्च बारीक काट के, 1/2 टेबल स्पून क्रश किया हुआ ताज़ा धनिया, 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर। इन सभी मसालों को हम आलू के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और हेल्दी बनाने के लिए 1/2 टीस्पून मोरिंगा पाउडर ऐड कर इसे भी मिक्स कर देंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। अब शिमला मिर्च को हमने ऊपर से काट कर अंदर से खोखला कर लिया और उसमें इस स्टफिंग को मैक्सिमम जितना भर सकते हैं भर लेंगे। छोटे चम्मच की हेल्प से सभी शिमला मिर्च को हम भर लेंगे। अब पहले से प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाकर ऊपर से चारों तरफ से ब्रशिंग करते हुए ओवन में इसे हम बेक कर लेते हैं जब तक कि ये अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। रोस्ट हो चुकी, अब हम इसे निकाल लेते हैं। हो गई हमारी स्टफ्ड शिमला मिर्च तैयार। अब इसको सर्व करें और ऊपर से थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर खा सकते हैं। हो गई हमारी हेल्दी शिमला मिर्च तैयार। अब हम स्टफ्ड शिमला मिर्च के कुछ हेल्दी आइटम्स डिस्कस करेंगे। ग्रीन कैप्सिकम। हरी शिमला मिर्च में एंटी इंफ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसके कुछ केमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे नर्व्स और मसल्स में होने वाली पेन से आराम दिलाते हैं। हरी शिमला मिर्च कैंसर के रिस्क को कम करती है। कैप्सिकम हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्पफुल है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हरी शिमला मिर्च हमारी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये आइस को हेल्दी रखती है। अनपील्ड आलू। आलू में कार्बोहाइड्रेट तो काफ़ी क्वांटिटी में होता ही है। इसके साथ साथ इसमें फाइबर्स, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। इसमें काफ़ी क्वांटिटी में विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है जिस कारण ये एक स्किन प्रॉब्लम स्कर्वी उसे दूर करने में हेल्पफुल है। आलू में पोटेशियम होता है जो कि हमारे हार्ट, लंग्स और नर्वस सिस्टम को सही से काम करने में हेल्प करता है। आलू की स्किन में जो फाइबर होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए जरूरी हैं। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो आलू को अच्छे से धोकर स्किन के साथ ही यूज करें। मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर में काफ़ी क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ये लेडीज के मीनोपॉज के टाइम होने वाले हार्मोन्स को बैलेंस करता है। ये पेन रिलीफ में फायदेमंद है। ये हमारी बॉडी सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। ये बॉडी सेल्स को फ्री रेडिकल से बचा कर रखता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लीवर, किडनी, हार्ट और लंग्स सभी के टिश्यूज को डैमेज होने से बचाता है। ये स्ट्रेस लेवल कम करने में हेल्पफुल है। ये ब्रेन प्रॉब्लम्स, मेमोरी कम होने, लर्निंग कम होने की प्रॉब्लम में भी फायदेमंद है। देखा फ्रेंड्स, 1/2 टीस्पून मोरिंगा पाउडर ऐड करके अपनी डिश को आप सुपर हेल्दी बना सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, यू ऐप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे हेल्दी रेसिपी के साथ।